हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं और क्या बच्चे अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, है ना एक बचकाना सवाल। तो ये बात तो हर किसी को पता है कि दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और बच्चे भी अपने माँ बाप से उतना ही प्यार करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी जिंदगी की पूरी कमाई और अपनी जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा खर्च कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि माँ बाप से ज्यादा हमारी चिंता दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, लेकिन माँ बाप और बच्चों के बीच में एज डिफरेंस कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि दोनों अलग अलग सोसाइटी में जी रहे होते हैं। ऐसे में माँ बाप और बच्चों के बीच टेंशन का बढ़ना बहुत आम बात होती है। कभी कभी ये बढ़ती टेंशन माँ बाप और बच्चों के रिलेशन को खराब कर सकती है, लेकिन इससे बचने का तरीका भी वही है जो हर झगड़े को सुलझाने का होता है, और वो है कम्युनिकेशन, जिसे हम बातचीत करना कहते हैं। वो वक्त बीत चुका जब माँ बाप अपने बच्चों को कोई बात समझाने के लिए उन्हें पीटा करते थे। आज के समय में किसी बच्चे की पिटाई किसी उनके फ्यूचर पर क्या असर डालेगी कहना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए माँ बाप को अपने बच्चों के साथ में बात करने की, अपने तरीके में सुधार लाने की बहुत जरूरत है। इसे ऐसे समझे कि जैसे हम अपने घर आए किसी मेहमान से कितने प्यार से बात करते हैं, तो फिर अपने ही बच्चे से इतनी बेरुखी से क्यों बात करें। माँ बाप की यही छोटे छोटे एफर्ट्स उनके बच्चों की पर्सनालिटी में सुधार लाने के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल आज दुनिया इस तरीके से बदल गई है कि बच्चों को पैदा करना या उन्हें अच्छे स्कूल में भेजने से ही कोई अच्छा माँ बाप नहीं बन जाता। माँ बाप को बच्चों के साथ में सही तरीके से कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर माँ बाप और बच्चों के बीच में सही कम्युनिकेशन ना हो तो बच्चे अपने माँ बाप से दूर होने में जरा भी वक्त नहीं लगाते हैं। लेकिन वो कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से माँ बाप और बच्चों के बीच के टेंशन को खत्म किया जा सकता है, उनके रिलेशन को पहले से बेहतर बनाया जा सकता है, और बच्चे को ऐसी परवरिश दिला सकती है कि उनके आगे की जिंदगी में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, और जब वो खुद माँ बाप बने तब उन्हें ये पता हो कि अपने बच्चों से किस तरीके का बर्ताव करना है। इसी सुपर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पे समराइज करेंगे डॉक्टर विनोद की लिखी बुक बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड रिवाइज्ड एंड अपडेटेड की समरी। इस बुक के चर्चा में हम पेरेंटिंग से जुड़ी कुछ जरूरी बातों के बारे में जानेंगे। ये बुक पेरेंट्स के अपने बच्चों से बात करने की स्किल को डेवलप करने के बारे में है कि कैसे दोनों के बीच के रिलेशनशिप को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। पेरेंटिंग को लेकर के थ्योरेटिकल बात तो सब करते हैं, लेकिन इस बुक में प्रैक्टिकल अप्रोच का इस्तेमाल किया गया है, जिसे डॉक्टर हिम विनोद ने सालों के रिसर्च और माँ बाप और बच्चों के साथ में काम और कई वर्कशॉप करने के बाद में इस बुक के जरिए में बताया है। तो चलिए अब बिना देर किए यह बुक समरी को समराइज करेंगे। इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आपको सारी बुक को सुननी होगी, तो इसी का पार्ट टू पार्ट थ्री ऐसे करके कंप्लीट कर लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे टॉपिक के अनुसार पेरेंट एंड चाइल्ड टॉपिक पे है। लेसन टू में हम जानेंगे बातचीत के कोड। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बच्चे कितने सवाल पूछते हैं। बच्चों के लिए हर एक चीज के बारे में क्यूरियस होना बहुत ही आम बात होती है, क्योंकि बच्चे एक खाली कागज की तरह होते हैं जिनमें पहले से किसी भी तरह की समझ या नॉलेज नहीं होती है। वो दुनिया की हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं। सुबह कैसे होती है, दुनिया कितनी बड़ी है और खाना खाना क्यों जरूरी है, जैसे कई छोटे छोटे सवाल बच्चों के मन में रह रह के उठते हैं। लेकिन अगर माँ बाप बच्चों के इन सवालों से परेशान होकर के उनको ऐसे जवाब देने लगे जो बच्चों को समझ में ना आए और उनको कंफ्यूज्ड कर दे, तो ये सही नहीं होगा। दरअसल बच्चों के सवाल ऐसे होते हैं जिनमें सही तरीके से समझ करके जवाब देना उनका न सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, बल्कि बच्चों को सही जवाब पा करके बच्चों के मेंटल ग्रोथ भी अच्छी तरीके से हो पाती है। इसलिए हम आगे ऐसे ही कुछ सवालों और जवाबों को समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 10 साल के बच्चे एंडी और उसके पिता के बारे में समझेंगे। एंडी के पिता एक लॉयर थे। एक बार एंडी ने अपने पिता से पूछा कि उनके शहर में कितने अनाथ बच्चे रहते हैं। एंडी के पिता उसका यह सवाल सुनकर के बहुत खुश हुए और उसको पॉपुलेशन को लेकर के एक लंबा लेक्चर सुनाने लगे, लेकिन एंडी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसको उनका जवाब सही नहीं लग रहा था और वह कंफ्यूज्ड भी हो रहा था। एंडी बार बार अपने पिता से एक ही सवाल पूछ रहा था और उसके पिता बार बार उसको पॉपुलेशन पर ही लेक्चर दिए जा रहे थे। आखिरकार एंडी के पिता को यहाँ समझ आया कि उनका बेटा ये सवाल पूछ करके ये जानना चाहता था कि कहीं उनके माँ बाप भी उसको उस अनाथ बच्चे की तरह छोड़ के नहीं चले जाएंगे। तब एंडी के पिता ने उनसे कहा कि ऐसा उसके साथ कभी नहीं होगा
वो उसको कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे, इसीलिए उसको इस बारे में सोच करके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि एंड्री के पिता ने उसका सवाल समझ करके उसे अच्छे से अपनी बात समझ, जिससे उन दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बनी। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो सवाल पूछते हैं उन्हें समझने के लिए कई बार हमको ये समझना भी जरूरी होता है कि आखिर बच्चे वो सवाल क्यों पूछ रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 5 साल की बच्ची नैन्सी के स्कूल में पहले दिन के एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ते हैं। अपनी स्कूल के पहले दिन में अपनी क्लास में घुसते ही नैन्सी ने दीवार पर एक लड़की हुई पेंटिंग्स देखी और अपनी मम्मी से पूछा कि यहाँ खराब पेंटिंग्स किसने बनाई है। नैन्सी की माँ परेशान हो गई और उसने उससे कहा कि वो सब पेंटिंग बहुत सब सुंदर है और उसको इस तरीके से दूसरों के पेंटिंग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन नैन्सी की टीचर उसकी बातों को समझ गई और उन्होंने बताया कि यहाँ सुंदर पेंटिंग्स बनाना जरूरी नहीं है, खराब और सुंदर बस लोगों के मन में होता है। किसी के लिए कोई चीज खराब हो सकती है तो किसी के लिए खूबसूरत। नैन्सी ये जवाब सुनकर के बहुत ही खुश हुई और उसको ये समझ आ गया कि अगर वो खराब पेंटिंग्स भी बनाएगी तो उसको डांट नहीं पड़ेगी। इसके बाद नैन्सी ने कुछ टूटे हुए खिलौने उठा करके पूछा कि इसको किसने तोड़ा। उसकी माँ को ये सवाल भी बेकार लगा, इसीलिए उन्होंने नैन्सी को चुप कराने की कोशिश की। मगर नैन्सी के टीचर ने उसको बताया कि खिलौने इतने नाजुक होते हैं कि उनका खेलते वक्त टूट जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। टीचर की बात सुनकर के नैन्सी उन पर धीरे धीरे भरोसा करने लगी क्योंकि उसके टीचर जल्दी गुस्सा नहीं होती थी। नैन्सी ये समझ गई कि गलतियां करने पर उसको डांट नहीं बल्कि नई चीजें सीखने को मिलेगा। इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने स्कूल का पहला दिन इतनी अच्छी से स्टार्ट करने वाली लड़की अपने बाकी की जिंदगी कितनी बेहतर तरीके से जीने वाली। तो अब हम बात करने वाले हैं 13 साल की केरल के बारे में। गर्मियों की छुट्टी में उसके घर में उसकी एक फ्रेंड आई थी, कजिन आई थी, अब वापस अपने घर जा रही थी और वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। केरल वो इतनी उदास थी कि उसको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे वो रोने वाली हो। ऐसी हालत में केरल की माँ की ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि वो अपनी बेटी को प्यार से गले लगाए और उसे प्यार से समझाए, लेकिन इसके बजाय केरल की माँ ने उसे ये समझाना स्टार्ट कर दिया कि किसी के जाने पर दुखी होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जिंदगी में लोग इसी तरीके से आते हैं और वापस चले जाते हैं। ये सुनने में भले ही सही हो लेकिन बच्चे के लिए इतनी लॉजिकल बातों का कोई मतलब नहीं होता है। बच्चे की फीलिंग्स को सीरियसली लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो उनकी फीलिंग्स हर्ट होंगे और वो अपने माँ बाप से दूरी बनाना स्टार्ट कर देंगे। केरल की माँ की नजरों में ये कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन केरल की छोटी उम्र को देख करके उसके लिए ये फीलिंग्स बहुत बड़ी थी। वहीं अगर उसकी माँ अगर उसको इस तरीके से समझाती कि उसको उदास या रोने की जरूरत नहीं है, उसके कजिन अगले साल फिर आ जाएगी, तो शायद केरल को बात ठीक से समझ आ जाती। इससे न सिर्फ उसका दुख कम होता बल्कि वो अपनी माँ के और भी करीब आ जाती। अब बारी आती है 7 साल की एलिस की, तो जो अपनी दोस्त ली के साथ में फिल्म देखने जाने वाले थे और तभी उस टाइम पे ली के स्कूल में एक जरूरी मीटिंग आ गई, इसीलिए वो एलिस से नहीं मिल पाई। ये जानकर के एलिस बहुत दुखी हुई और एकदम चुपचाप बैठ गई। एलिस की माँ से उसकी उदासी देखी नहीं गई, इसीलिए वो उसके पास गई और उसको समझाया कि उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ली और वो किसी और दिन भी मिल सकते हैं। इस तरह एलिस अपनी माँ की बात समझ गई। अब हम यहाँ पे डेविड नाम के एक लड़के का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। डेविड के पिता नाइट शिफ्ट में करते हैं। एक दिन वो जब शॉपिंग करके घर लौटे तो उन्होंने देखा कि डेविड किसी बात को लेकर के नाराज था। उन्होंने डेविड को पूछा कि वो इतने गुस्से में क्यों है। इस पर डेविड ने उसको जवाब दिया कि जब भी वो स्कूल से वापस आता है तो उसके पिता घर पे नहीं होते हैं, उसको इस बात का बहुत खराब लगता है, बुरा लगता है। डेविड की बात सुनकर के उसके पिता ने उसको कहा कि अच्छा हुआ उसने ये बात तो बता दी। उसके बाद वो डेविड के साथ बाहर खेलने चले गए। यहाँ डेविड के पिता ने उसको कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की बल्कि उन्होंने बस उसे ये कहा कि वो उसके फीलिंग्स समझते हैं। पेरेंट्स कई बार ये भूल जाते हैं कि बच्चों को कोई बात समझाने से ज्यादा उनकी बात समझने की जरूरत होती है। ऐसा ना होने पर बच्चे और माँ बाप के बीच में झगड़े होते हैं। अब हम यहाँ पे हेलेन नाम की एक लड़की के बारे में पढ़ते हैं। एक दिन हेलेन बहुत उदास होकर के अपने स्कूल से घर लौटी। घर आते ही उसने अपनी माँ से कहा कि उसको एग्जाम में कम मार्क्स मिले हैं और उसको पता है कि उसकी माँ ये जानकर के गुस्सा होंगी। मगर हेलेन की माँ ने उसे प्यार से समझाया कि उनके लिए उसके ग्रेड्स मैटर नहीं करते और कम मार्क आने से उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेलेन फिर भी परेशान थी। उसने अपने माँ से पूछा, तो फिर आप हमेशा मेरे अच्छे मार्क्स ना आने पर नाराज क्यों होते हो। तब हेलेन की माँ ने जवाब दिया कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए उन्हें उनको कभी नहीं डांटा, वो खुद अपने मार्क्स को देख करके डिसअपॉइंटेड होती है इसलिए वो उन्हें ब्लेम कर रही है। ये सुनकर के हेलेन रोते हुए अपने कमरे में चली गई।
अब यहाँ पर हेलेन की माँ की बातें सच थी, मगर हेलेन को उन्हें सुन करके दुख हुआ था। यहाँ पर भी वही गलती हुई है जो पहले के एग्जाम्पल्स में हमने देखी है, और वो है बच्चों के सामने लॉजिक का इस्तेमाल करना, जबकि बच्चों को लॉजिक से ज्यादा प्यार से समझाने की जरूरत होती है। बच्चों के लिए सबसे बेहतर ये होता है कि उनको लॉजिक समझाने के बजाय उनके दुख में साथ दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिसके लिए उनको दुखी होना पड़े। अच्छा बिहेवियर सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी अप्रिशिएट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक आखिरी एग्जाम्पल सुनते हैं। मिसेस ग्राफ्टन अपने बैंक मैनेजर से थोड़ी अपसेट थी, क्योंकि वो हमेशा गुस्से में रहते हैं और उनसे सही से बात भी नहीं करते हैं। एक दिन मिसेस ग्राफ्टन को एक जरूरी फाइल पर अपने मैनेजर के सिग्नेचर चाहिए थे। अपने मैनेजर के रूम में जानते ही उन्होंने मिसेस ग्राफ्टन ने उनसे कोई शिकायत करने के बजाय उनको समझाया कि वो कितने ज्यादा काम करते हैं और उनको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से उनका मूड तुरंत बदल गया और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उनको फील हुआ कि उनके काम की डिफिकल्टीज को किसी ने एक्नॉलेज तो किया। आखिर में उन्होंने मिसेस ग्राफ्टन की फाइल पर बिना किसी सवाल जवाब के सिग्नेचर कर दिया। इस तरह हमने देखा कि कैसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी अच्छा बिहेवियर पा करके हम्बल हो जाते हैं। इस यहाँ पे हमने अब तक जाना कि किस तरीके से सही तरीके से बच्चों को बात ना समझाई जाए तो उन पर गलत असर पड़ सकता है। इसके साथ ही लेखक द्वारा दी गई कई एग्जांपल्स की मदद से हमने माता पिता और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन की कमी से होने वाली दिक्कतों को भी समझने की कोशिश की। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जानते हैं कि आखिर माता पिता और बच्चे आपस में बात करते वक्त परेशान क्यों हो जाते हैं और दोनों के बीच में टेंशन क्यों होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि माता पिता बच्चों के सवालों को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, जिससे बच्चे उनके जवाबों से सेटिस्फाइड ही नहीं होते हैं। इसका नुकसान माता पिता और बच्चों के बीच के रिश्ते पर होता है। दोनों के बीच के रिश्ते में प्यार की जगह फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और चीजें बिगड़ने लगती है। और एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग यहाँ पे माता पिता और बच्चों के बीच के इस कम्युनिकेशन गैप को समझेंगे। 8 साल का एक बच्चा था जिसका नाम था डेविड। एक दिन डेविड ने अपनी माँ से पूछा कि जब भी मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो उसकी माँ उसके छोटे छोटे सवालों का इतना बड़ा जवाब क्यों देती है। दरअसल बात ये थी कि डेविड अगर अपनी माँ से कोई छोटा सा कनेक्शन के लिए कम्युनिकेशन, माता पिता और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे नहीं होनी चाहिए, ये तो हमने लेसन 2 में पढ़ लिया। अब ये अच्छा कम्युनिकेशन कैसे किया जाए ताकि बच्चों के साथ आप एक कनेक्शन बना सके, इसे हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। 9 साल का एरिक बहुत गुस्से में अपने स्कूल से घर लौटा। दरअसल उसकी क्लास आज पिकनिक पर जाने वाली थी, लेकिन अचानक बारिश होने की वजह से पिकनिक कैंसिल हो गई थी।
ऐसे में आप एरिक के पिता के सामने दो तरीके थे जिनसे वो उससे बात कर सकता थे। पहला तरीका था कि वो एरिक से कहे कि मौसम खराब होना किसी के हाथ में नहीं है, ना ही कोई मौसम को बदलने से रोक सकता है, इसीलिए एरिक का गुस्सा करना सही बात नहीं है। दूसरा तरीका ये था कि एरिक के पिता उसे ये कहे कि वो समझते हैं कि पिकनिक पर जाने का एरिक का कितना मन था और पिकनिक कैंसिल होने पर उसे कितना दुख हुआ होगा। इस तरीके से एरिक के पिता उसे कह सकते थे कि उसका गुस्सा करना सही था, क्योंकि अगर कोई पिकनिक जाने के लिए एक्साइटेड हो और बहुत दिनों से उसकी तैयारी भी कर रहे हो और अचानक से मौसम खराब होने की वजह से वो कैंसिल हो जाए तो उसे दुख तो होगा ही। ऐसे में एरिक के पिता ने एक दूसरा तरीका अपनाया जिसपे उन्होंने एरिक के गुस्से को दबाने के बजाय उस पर निकलने दिया। ऐसा करने से एरिक का गुस्सा थोड़ी ही देर में अपने आप शांत हो गया। तो इस तरीके में आखिर ऐसा क्या था जो एरिक अपना सारा गुस्सा भूल करके एकदम पहले जैसा हो गया? दरअसल जब बच्चे गुस्सा, दुख या डर जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस को फील कर रहे होते हैं, तब ना तो उनका किसी की बात सुनने का मन होता है और ना ही कुछ समझने का। उस सिचुएशन में वो अपने फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, मगर अपने माता पिता से बच्चे ये उम्मीद करते हैं कि जब वो ऐसी हालत में हो तो उनके माता पिता उनके दुख को समझे। मान लीजिए कि आपका बच्चा आपके पास आए और बोले कि आज टीचर ने उसे बहुत जोर से डांटा, बहुत ज्यादा डांटा, तो अगर आप उसे ये कहेंगे कि इसमें तुम्हारी कोई गलती होगी या आप भी अपने बच्चे को डांटना स्टार्ट कर देंगे, तो इससे आपके और आपके बच्चे के बीच के रिलेशंस खराब हो जाएंगे। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने बच्चे को ये कहे कि उसकी तकलीफ और दुख को आप समझते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। सिर्फ इतनी सी बात कहने से न सिर्फ आपका बच्चा आपके करीब आएगा, बल्कि अगली बार वो अपने मन की बात आपसे खुल करके कहेगा। अब अगला एग्जाम्पल 8 साल की अनीता का है। एक दिन अनीता अपने स्कूल से घर वापस जा करके कहती है कि उसको अब दोबारा कभी स्कूल नहीं जाना। अनीता की माँ समझ जाती है कि वो बहुत गुस्से में है, इसीलिए वो अनीता से पूछती है कि क्या वो अपनी परेशानी उनके साथ शेयर करना चाहेगी। तब अनीता अपनी मम्मी को बताती है कि वो एग्जाम दे रही थी और उसी बीच उसके टीचर ने उसके हाथ से एग्जामिनेशन पेपर छीन करके उसे फाड़ दिया, क्योंकि उसके टीचर को लगा कि अनीता चीटिंग कर रही है। अनीता की माँ ने उसके बाद बहुत ध्यान से सुनी और बीच में कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी बेटी उनसे सिर्फ उनके इमोशंस को समझने की उम्मीद कर रही थी। अनीता की माँ अपने बेटे के साथ में उसका दुख बांटने की कोशिश कर रही थी। सिर्फ थोड़े से प्यार और अंडरस्टैंडिंग की मदद से अनीता का गुस्सा शांत हो गया। अब हम बात करेंगे 9 साल के जेफरी, जो स्कूल से एकदम थका हुआ और उदास घर आया और माँ को बताया कि उसके टीचर ने आज उसका दिन बहुत ही मुश्किल बना दिया था। जब उसकी माँ ने उससे इसके बारे में पूछा तो उसने उन्हें बताया कि कुछ बच्चे लाइब्रेरी में शोर मचा रहे थे, लेकिन जब टीचर ने पूछा कि कौन शोर कर रहा था तो कोई सामने नहीं आया, जिसकी वजह से सबको पनिशमेंट मिले। उसके बाद जेफरी ने अपने टीचर से कहा कि वो शोर करने वाले बच्चों में से ढूंढने के लिए उनकी मदद कर सकता है, ताकि सभी बच्चों को परेशानी ना हो। जेफरी के ऐसा कहने पर उसके टीचर का मूड थोड़ा ठीक हो गया और वो मुस्कुराने लगी। ये सुनकर के जेफरी की माँ ने उसकी तारीफ बहुत की कि उसने बहुत समझदारी के साथ में पूरी सिचुएशन को हैंडल किया। तो देखा आपने, इस तरीके से अपने बच्चे की बात को सुनना, उसकी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करना और उनके थॉट्स को समझने की कोशिश करने से बच्चे खुद को, अपने आप को माता पिता से दूर नहीं समझते हैं। लेकिन आप अपने बच्चों के तब तक करीब नहीं आ पाएंगे जब तक कि आप उनके बातों को सही तरीके से समझने की कोशिश ना कर ले। अपने बच्चों की फीलिंग्स को जानने और समझने के लिए उनको ऑब्जर्व करना और उनकी बातों को ध्यान से सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपकी मदद और आपके अंदर बैठा बच्चा कर सकता है, यानी कि जब भी आपको अपने बच्चे की बात समझने में कोई मुश्किल भी आए तो आप अपने बचपन के दिनों को याद कर लीजिए। बचपन में आप जब गलतियां करते थे तो तरह तरह की बातें सोचते रहते थे। उस वक्त कोई आपकी बातें समझ नहीं पाता था, तब आप जैसा फील करते थे वैसा ही आपके बच्चे आज की डेट में फील करते हैं। अपने आप को बच्चों की जगह रखने से आपके लिए उनकी तकलीफ और उनकी बातें समझना और ज्यादा इजी हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि अपने बचपन में आप जो उम्मीद अपने माता पिता से किया करते थे, वही उम्मीद आज आपके बच्चे आपसे करते हैं। एक बार अगर आप ये बात समझ ले तो आप अपने और बच्चे के बीच के रिश्ते को न सिर्फ बेहतर बना सकते हैं,
बल्कि आप उनके अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। हम सभी ने अपने बचपन में वो दिन देखे हैं जब हम किसी भी मामले में अपने साथ के दूसरे बच्चों के सामने खुद को उनसे कम नहीं देखना चाहते थे। हमारे बच्चे भी यही चाहते हैं कि हम उन्हें अपना बेस्ट देने में हमेशा उनकी हेल्प करते रहें। इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी आप अपने बच्चे से बात कर रहे होते हैं तब बहुत सोच समझ करके शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता की हर बात को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। अगर आप अपने बच्चे से कोई भी बात गुस्से में या फिर उदास होकर के यूं ही बोल देते हैं तो वो बात भी बच्चों के दिमाग पे काफी गहरा असर छोड़ती है। बच्चे गुस्से में कही बात और शांत दिमाग से कही गई बातों में फर्क नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हो सकता है कि आपके बच्चे आपकी कही बातों का कोई गलत मतलब निकाल करके उनको सच मान ले। तो बच्चों के सामने बात करते वक्त इस चीज का खास ध्यान रखना। ये सावधानी किस तरीके से रखी जा सकती है इसकी चर्चा हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, चैप्टर 4 पे। तो लेखक गिनोट ने अपनी इस किताब में आम बातचीत में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ शब्दों के बारे में बताया है, जिन्हें सुनकर के हम इस बात को और अच्छे से समझ सकते हैं कि बच्चों के सामने कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, इससे तो तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा, तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हो गई होंगी, या आज तुम्हारा दिन बुरा था। ऐसी बातें किसी के भी दिल को हल्का कर सकती है और उसके दुख को भी कम कर सकती है, लेकिन आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों को परेशान देख करके ऐसी बातें नहीं कहते हैं। उनकी सारी कोशिश अपने बच्चे की गलती ढूंढने में रहती है और यही सबसे बड़ी वजह है कि बच्चे अपने माता पिता को उस हिसाब से अपना दुख बांटने की कोशिश करते ही नहीं है। इसके अलावा जब बच्चे बदतमीजी करते हैं तब माता पिता को लगता है कि उनके बच्चे में ही कोई गड़बड़ी है, लेकिन असल में जब भी बच्चे बदतमीजी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अंदर से दुखी होते हैं। इसीलिए माता पिता की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों के बुरे बिहेवियर के पीछे छुपे उनके दर्द को पहचाने और उसको दूर करने की कोशिश करें। यहाँ हम आपको 12 साल के बहन की मम्मी की एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो एक दिन बहन की माँ जब थक करके ऑफिस से घर लौट रही तब बहन उसके पास में आया और अपने टीचर के बारे में कंप्लेन करने लगा। उसने कहा कि उसके टीचर उसे बहुत सारा होमवर्क देती है और आज भी उसके पास बहुत सारा होमवर्क है, वो इतने कम समय में अपना होमवर्क खत्म नहीं कर पाएगा। ये सुनकर के बहन की माँ उसे गुस्सा हो गई, उस पर चिल्लाने लगी। वो कह रही थी कि उनके भी बॉस हैं जो उनको उनके टीचर की तरह ही बहुत परेशान करते हैं, लेकिन वो उसके सामने उसकी शिकायत नहीं करती। बहन की माँ ने उसको डांटते हुए कहा कि वो खुद ही आलसी और इसी वजह से अपना काम वक्त पे खत्म नहीं करता है। अगर वो वक्त पर अपना टाइम खत्म कर लेता तो आज इतना काम उसके पास में नहीं रहता। अपनी माँ की बात सुनकर के बहन बहुत नाराज हो गया और उसने रूम में जाकर के दरवाजा बंद कर लिया। वो खाने के लिए भी बाहर नहीं आया। तब उसकी माँ खुद को उसके इस बिहेवियर का जिम्मेदार मानने लगी। अब यहाँ पर गलती दोनों की थी। अगर बहन शिकायत करने के बजाय अपना दुख अपनी माँ से कहता और उसकी माँ भी उसे डांटने के बजाय उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश करती तो दोनों के बीच इतना झगड़ा नहीं होता। ये बात बहन की माँ समझ गई और उन्होंने फिर कभी बहन से गुस्से से बात नहीं की। और उस दिन के बाद से बहन की माँ उसे बहुत ही पोलाइटली बात करने लगी और हमेशा उसकी परेशानी समझने की कोशिश करती रही। लेकिन आमतौर पर माता पिता और बच्चे दोनों ही अपने फीलिंग्स अच्छी तरीके से नहीं बता पाते हैं। इसकी दो वजह हो सकती है। पहली तो ये कि कभी हमको ये सिखाया ही नहीं जाता कि अपने फीलिंग शेयर करना न सिर्फ जरूरत है बल्कि उनको बताने का एक तरीका भी होता है। दूसरी वजह यह है कि कभी कभी हमको ये भी पता नहीं चल पाता कि आखिर हम फील क्या करते हैं। ऐसे सिचुएशन में जहाँ बच्चे अपनी फीलिंग समझ नहीं पाते हैं और अगर समझ भी जाए तो उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तब बच्चे चिड़चिड़े होने लगते हैं और अपने प्रॉब्लम्स के लिए किसी न किसी को ब्लेम करते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस की जाए, इसीलिए वो परेशान होकर के गलत बिहेव करने लग जाते हैं। लेकिन माँ बाप तो अपने बचपन को अच्छे से जी के आए हैं, उन्हें कम से कम ये समझ लेना चाहिए कि अगर उनके बच्चे किसी बात से दुखी है जिसकी वजह से वो खराब बिहेवियर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई बात उनके दिल में जरूर है जिसे वो खुल करके नहीं बता पा रहे हैं, जबकि इसका उल्टा होता है। माता पिता अक्सर बच्चों को ये समझाने लग जाते हैं कि उनको कैसा बिहेव करना चाहिए और कैसा नहीं। इससे बच्चों में अपने माता पिता के लिए गुस्सा बढ़ जाता है और उनके सोचने समझने की शक्ति और भी कम हो जाती है। अब जब तक उनका गुस्सा शांत नहीं हो जाता तब तक वो ठीक से बिहेव नहीं कर पाएंगे। ये बात समझे बिना माता पिता कभी भी अपने बच्चों के मन की बात नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही अच्छे से समझने की जरूरत है, कई बार बड़े भी अपने मन की बात खुल के नहीं कर पाते हैं।
इसीलिए उनसे भी प्यार से बात करके उनके दिल का हाल जानने की जरूरत रहती है। अब हम आपको दो लोगों के बीच होने वाली बात का एग्जाम्पल पढ़ करके इस बात को और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार एक आदमी ने कुछ लोगों को उससे पूछा कि मान लीजिए कि आज आपका दिन खराब है, एक तरफ आपका फोन बज रहा है और दूसरी तरफ आपके बच्चे रो रहे हैं, इसी चक्कर में आपका टोस्ट जल जाता है। तब आपके पति या पत्नी आपसे ये कहे कि अब तक आप एक टोस्ट बनाना भी नहीं सीखे, तो इस पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? चलिए इस सवाल पर कुछ लोगों का रिएक्शन पढ़ते हैं। रिएक्शन देने वाला पहला व्यक्ति थोड़ा गुस्से वाला नेचर का है, इसी वजह से उसका जवाब था कि मैं उसके मुंह पे टोस्ट फेंक के मारूंगा। दूसरा व्यक्ति जो एक महिला है, उन्होंने सवाल पर रिएक्ट करते हुए कहे, बोले कि मैं उनसे कहूंगी कि तुम अपना टोस्ट खुद बना लिया करो। तीसरे व्यक्ति ने जवाब दिया कि इतने मुझे इतना बुरा लगेगा कि मैं रो पड़ूंगी। अब जिस आदमी ने यह सवाल पूछा था कि उन तीनों के जवाब सुनने के बाद में फिर से कहता है कि अगर ये जवाब अगर आपके पार्टनर आपको दे तो आप क्या रिएक्ट कैसा फील होगा आपको? तीनों एक ही जवाब देते हैं कि उन्हें गुस्सा आएगा और अपने पार्टनर से नाराज हो जाएंगे या शायद नफरत करने लगेंगे। अब सवाल पूछने वाले ने दोबारा एक सवाल पूछा कि क्या आप इसके बाद भी उन्हें नया टोस्ट बना के देंगे? गुस्से वाले पहले व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं टोस्ट बना दूंगा अगर मुझे उसमें जहर मिलाने का मौका मिल जाए तो। अब सवाल पूछने वाले ने पूरी सिचुएशन को ही बदल दिया और कहा कि मान लीजिए कि आपने टोस्ट जला दिया और आपके पार्टनर ने गुस्सा करने के बजाय आपसे ये कहा कि जरूर आपका दिन आज खराब रहा होगा, इसी वजह से आप किसी काम में ध्यान नहीं लगा पा रहे हो या फिर पा रही, अब आपका इस पे कैसा रिएक्शन होगा? तब सबने यही जवाब दिया कि अगर उनका पार्टनर उनको ताना मारने या गुस्सा करने के बजाय प्यार से उनकी परेशानी समझेंगे कि हो सकता है कि उनके साथ में कुछ बुरा हुआ हो, इसलिए उनसे गलती हुई, तो सीधी सी बात है कि सबको अच्छा ही लगेगा। इस पर सवाल पूछने वाले ने इसका कारण जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दिन तो आपका अभी भी खराब चल रहा है, क्या वो आपके लिए मैटर नहीं करता? इस पर सबने यही कहा कि उनका मूड तो अभी भी खराब है लेकिन अब उनको उतना बुरा फील नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि कोई अगर हमको बेवजह किसी बात के लिए ब्लेम ना करे तो हमें ज्यादा अच्छा फील होता है। अब यहाँ पे और एक सवाल आता है जिसमें एक तीसरा सिनेरियो दिया जाता है। मान लीजिए टोस्ट जलने के बाद अगर आपका पार्टनर आपके पास में आए और आपसे ये बोले कि चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ या सिखाती हूँ कि टोस्ट कैसे बनाते हैं, तो अब इसका आपका क्या रिएक्शन होगा? इस पर एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि ये तो पहले से भी बुरा है क्योंकि अब मुझे डम जैसा फील हो रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये इंसिडेंट से हम कैसा क्या सीखते हैं जिसका इस्तेमाल हम बच्चों के साथ में उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए कर सकते हैं। पहले व्यक्ति को ये समझ आ गई और उसने जवाब दिया कि मुझे आपकी बात समझ आ गई, मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ कि अब वो बड़े हो गए हैं इसलिए उनको ये छोटे छोटे कामों के लिए मदद की जरूरत नहीं है, उन्हें मेरी इन बातों पर जरूर गुस्सा आता होगा। अब दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं हमेशा अपनी बेटी से कहता हूँ कि लाओ मैं तुम्हें ये काम करके दिखाता हूँ, ये सुन करके भी उसको गुस्सा ही आता होगा। तीसरे व्यक्ति ने बताया कि मुझे तो बचपन से खुद से अपनी खुद की बुराई सुनने की आदत पड़ गई थी, इसीलिए बच्चों से भी मैं वैसे ही बात करती थी जैसे मेरी माँ मुझसे किया करती थी, लेकिन अब मैं समझ गई कि मुझे अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। इसके बाद ये सवाल पूछा गया कि इस टोस्ट स्टोरी से हमने क्या सीखा। उसके बाद इन तीनों ने एक ही जवाब दिया कि हमने इस टोस्ट स्टोरी से कि हमें अपने बच्चों की तकलीफ समझने की जरूरत है, ना कि उनको ज्ञान देने की या खुद आगे बढ़ करके उनकी गलती सुधारने की। ये पूरी बातचीत सुन करके आपको अब तक ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अपने बच्चे को बात करते वक्त सही शब्दों को इस्तेमाल करना कितना जरूरी है और गलत शब्दों का इस्तेमाल करने पर चीजें कितनी बिगड़ सकती है। तो बातचीत के प्रिंसिपल्स बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड बुक समरी के पिछले यहाँ पे हम कई एग्जाम्पल्स की मदद से ये समझने की कोशिश की है कि बच्चों और माता पिता के बीच बातचीत किन वजहों से खराब हो सकती है और उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम जानते हैं कि माता पिता और बच्चों की बीच की बातचीत के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में, और जहाँ पे हम समझेंगे जो प्रिंसिपल्स होते हैं जब बच्चे किसी बारे में बात करते तो या करना चाहते हैं तो हमको कैसे बिहेव करना चाहिए, तो उस चैप्टर को सुनने के लिए आप नेक्स्ट। तो अब तक के पिछले चैप्टर में हमने समझा कि बच्चों और माता पिता के बीच में बातचीत किन वजहों से खराब हो सकती है। अब हम आगे जानेंगे कि कैसे बेहतर बनाया जा सकता है कन्वर्सेशन को। तो चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि माता पिता और बच्चों के बीच की बातचीत के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में। जब बच्चे किसी भी बारे में बात करते हैं या करना चाहते हैं तब जरूरी नहीं कि आप उसका जवाब दें, आप बस उस रिलेशनशिप को ध्यान में रख करके उसका जवाब दें
जिस पर ये सवाल इम्प्लाइड है, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपको एक एग्जांपल की मदद से इसे समझने में इजी हो जाएगी। एक बार एक 6 साल के बच्चे जिसका नाम फ्लोरा था, उसने अपने माता पिता से ये कंप्लेन की कि उसको अपने भाई के मुकाबले बर्थडे पर कम गिफ्ट मिलते हैं। इस पर फ्लोरा की माँ ने उससे ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं है, या फिर वो आपसे इस बात का अब से इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो जानती थी कि बात ये नहीं है कि किसको ज्यादा गिफ्ट मिला है और किसको कम, बल्कि बात ये है कि फ्लोरा को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उसके माता पिता उसके भाई से ज्यादा प्यार करते हैं और उससे कम। इसीलिए अब फ्लोरा की माता ने उसको ये पूछा कि क्या उसको ये लगता है कि उसके माता पिता उसके भाई से उससे ज्यादा प्यार करते हैं। इतना कहने के बाद फ्लोरा की माँ ने उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही जल्दी से उसके गले लगा लिया। फ्लोरा की माँ के ऐसा करते ही उसके मन से उसके माता पिता को लेकर के सब भी कंप्लेन तो खत्म हो ही गए, मगर साथ ही ऐसे आर्ग्यूमेंट भी खत्म हो गई जो अगर एक बार स्टार्ट हो जाती तो कभी खत्म नहीं हो पाती। ये आर्ग्यूमेंट न सिर्फ फ्लोरा और उसके माँ के बीच दूरी पैदा करती, बल्कि फ्लोरा के दिमाग में भी हमेशा के लिए ये बात बैठ जाती कि उसके माता पिता उससे इतना प्यार नहीं करते हैं जितना उसके भाई से करते हैं। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि बच्चों के ज्यादातर सवाल सिर्फ ये जानने के लिए होते हैं कि उनके माता पिता उनसे कितना प्यार करते हैं। इसलिए अगर आपके पास बच्चों के सवालों के जवाब ना भी हो, तो तब भी अगर आप उनको ये जता दे कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बच्चों को किसी लॉजिक या फिर किसी काम के पीछे की वजह जानने की इतनी इच्छा नहीं होती है जितनी अपने माता पिता की आंखों में प्यार देखने की होती है। इसीलिए ये जरूरी नहीं कि हर बार आप अपने बच्चों के सवालों का जवाब समझदारी या लॉजिक के साथ में दे, बल्कि आप बिना कोई जवाब दिए भी अगर उन्हें गले लगा ले या उन्हें ये बता दे कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनका मूड ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही बच्चों के साथ आपका रिश्ता भी और बेहतर होता जाएगा। जब आपका बच्चा आपसे किसी बारे में बात करने की कोशिश करता है, तो अच्छा होगा अगर आप उनसे उस बारे में बात ना करके उससे जुड़े उसके फीलिंग्स के बारे में बात करें। इससे इस तरीके से समझिए कि एक दिन ग्लोरिया, जिसकी उम्र 7 साल है, बहुत उदास होकर के घर आई। उसने अपने पिता को बताया कि कैसे कुछ लड़कों ने उसके दोस्त को बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरा दिया। तब उसके पिता ने उससे कोई सवाल नहीं किया और उसे बस इतना कहा कि वो ये जान करके बहुत दुखी है और उन लड़कों से नाराज है जिन्होंने उसके दोस्त के साथ में ऐसा किया। ग्लोरिया ने भी अपने पिता की बात पर हाँ में सिर हिलाया। अब उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या उसे ऐसा लगता है कि किसी दिन कोई उसको भी ऐसे गड्ढे में गिरा सकता है। यहाँ ग्लोरिया के पिता ने अपनी बेटी के मन के डर को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने उससे दबाने की बजाय उसके फीलिंग्स को बाहर आने का मौका दिया। अपने पिता की ओर से की गई इस पहल को समझते हुए ग्लोरिया ने भी खुल करके अपने डर के बारे में उनको बताया। इसका नतीजा ये हुआ कि उसके पिता अब ये बात अच्छे से जानने लगे थे कि उनकी बेटी किन बातों को लेकर के डर रही है और उसको किन चीजों से खतरा महसूस होता है। इसीलिए बच्चे जब भी कोई शिकायत या सवाल करे, तो उनसे और ज्यादा सवाल जवाब करके उनको परेशान करने के बजाय आप उनके मन के फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए। आप ये पता लगाने की कोशिश करिए कि आखिर उनपे इस तरह की बातें करने का क्या जरूरत पड़ रहा है। अब हम यहाँ पे और एक एग्जाम्पल पढ़ते हुए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन 10 साल का हैरोल्ड बहुत खराब मूड लेकर के अपने स्कूल से अपने घर आया। उसने आते ही अपनी माँ को बताया कि आज उसके टीचर ने उसके पूरी क्लास में झूठा कहा उसको, और सबके सामने में उसे बहुत बुरी तरीके से भी डांटा क्योंकि वो अपना होमवर्क करना भूल गई थी। इतना सुनकर के हैरोल्ड की माँ ने उसके अपने बच्चे का दुख बांटने के लिए उससे कहा कि उन्हें अफसोस है कि आज उसका दिन बहुत खराब गया। अब यहाँ पे हैरोल्ड की माँ के पास में ये ऑप्शन भी था कि वो अपने बच्चे को डांट सकती थी कि उसने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया, या ये कह सकती थी कि होमवर्क ना करने की वजह से डांट पड़ना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा कहने पर वो हो सकता है कि हैरोल्ड अभी अगली बार से अपना होमवर्क पूरा कर ले, लेकिन वो फिर कभी अपनी माँ को अपना दुख नहीं बता पाता। मगर जब हैरोल्ड की माँ ने उसका दुख बांटने की कोशिश की, तो इससे हैरोल्ड का थोड़ा सा अच्छा फील हुआ उसको। उसको ये फील होने लगा कि दुनिया में कोई है जो उसकी हर बात समझता है, कोई ऐसा है जो ये समझने की कोशिश करता है और उसको भरोसा दिलाता है कि जैसा उसके साथ हो रहा है
वो कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ऐसा सबके बचपन में होता है। इसलिए ये बात 100% सही है कि अपने बच्चों से सही तरीके से बात करने का सबसे बड़ा जरूरी रूल्स ये है कि हम उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें और ये समझें कि बच्चे जो भी कहते हैं उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। मान लीजिए कि कोई बच्चा अपने माता पिता से ये कहे कि उसको मैथ्स नहीं समझ में आता है और जवाब में उसके माता पिता उसे ये बताने लग जाए कि तुम खुद ही बेवकूफ हो, तो आप वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा? सीधी सी बात है, ऐसे में बच्चा अपने माता पिता से और ज्यादा दूर होता जाएगा। ऐसे सिचुएशन को डील करने का यही तरीका है कि बच्चों के दुख में भागीदार बना जाए और उनको ये फील करवाया जाए कि वो अकेला नहीं है। बच्चों को ये कहने के बजाय कि वो बेवकूफ है, आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ, मैथ्स वाकई में बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है और हमें भी अपने बचपन में इसे समझने में बहुत मुश्किल होती थी। अगर माँ बाप अपने बच्चों पर अपनी उम्मीदों का दोष डालते जाएंगे तो बच्चे उसे उठाने की पूरी कोशिश करेंगे और एक दिन उन्हीं उम्मीदों के बोझ के नीचे दब जाएंगे। और अगर इस विचार से बच्चे उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए तो वो खुद को बेवकूफ और निकम्मा समझने लगेंगे। तब उनके माता पिता चाहे जितनी कोशिश कर लेकिन उनको उस फीलिंग से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप बच्चों पर अपनी उम्मीदों का बोझ ना डाल करके उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो, उनके साथ उनका दुख बांटो और उनके सबसे अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करो। यहाँ हम या और एक एग्जांपल पढ़ते हैं। चार्ल्स नाम का एक बच्चा अपने पिता से कहता है कि मैं स्ट्यूपिड हूँ। उसके पिता उसको जवाब में देते हुए कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और वो बहुत ही समझदार बच्चा है। उसके पिता ने उसे याद दिलाया कि जब वो कैंप गया था तो वहां पे उसके टीचर्स ने उसे खुद बताया था कि वो वहां सबसे समझदार बच्चा था। इस पर चार्ल्स ने कहा कि उसके दोस्त हमेशा उसे स्ट्यूपिड कह करके बुलाते हैं। चार्ल्स के पिता ने उसको समझाने की कोशिश की कि शायद उसके दोस्त मजाक में ऐसा करते होंगे, कहते होंगे, लेकिन चार्ल्स किसी भी हालत में उनकी बात मानने को रेडी ही नहीं था। उसने फिर से अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि स्कूल में उसके मार्क्स भी इसीलिए अच्छे नहीं आते हैं क्योंकि शायद वो एक बेवकूफ लड़का है। चार्ल्स के पिता ने उसे समझाया कि मार्क्स कम आने से कोई बेवकूफ नहीं बन जाता, लेकिन अगर उसको अच्छे मार्क्स चाहिए तो इसके लिए थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी होगी। मगर चार्ल्स के पिता चाहे उसे कितना भी समझा ले, चार्ल्स उनकी बातों को मानने का तैयार रेडी ही नहीं था। वो बार बार यही कह रहा था कि मैं स्ट्यूपिड हूं, मैं जानता हूं। आखिर में चार्ल्स के पिता उसे इरिटेट होने लगे और उन्होंने चिल्ला करके चार्ल्स से कहा, मैं कह रहा हूं ना, तुम स्ट्यूपिड नहीं हो। अब जरा यहाँ ध्यान दे कि जब कोई बच्चा अपने मन में अपनी वो इमेज बना चुका होता है जो हम जानते हैं कि गलत है, तो हम उसे एकदम से नहीं बदल सकते हैं। उनके खुद के बारे में नेगेटिव व्यूज हमारे बार बार मना करने से नहीं बदलने वाला है। हमारी तरफ से उनके लिए सबसे सही मदद होती है कि उनको ये चेताना कि हम उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। अब हम यहाँ पे और एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इवान नाम का एक छोटा बच्चा अपने पिता से कहता है कि वो स्ट्यूपिड है। इस पर उसके पिता उससे कहते हैं कि वो उसकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं कि वो अपनी क्लास में पढ़ाई को लेकर के कितना ज्यादा सफर करता होगा, उसे कितना बुरा फील होता होगा जब उसके किसी सवाल का जवाब देने पर उसकी पूरी क्लास उस पर हंसती होगी। इसके बाद इवान के पिता उसको बताते हैं कि उनकी नजरों में वो बिल्कुल नॉर्मल है और बस पैरानॉइड फील कर रहा है। ये सुनकर कि इवान खुद को अपने पिता की बातों से रिलेट कर पाता है। अब भले ही उस पर इन बातों का जल्दी कोई असर ना हुआ हो, लेकिन उसके मन में ये बात बैठ गई कि वो खुद के बारे में गलत सोच रखता है। उसके दिमाग में अब ये बात आ जाएगी कि जब उसके पिता जो उसे इतना समझते हैं और वो कह रहे हैं कि वो स्ट्यूपिड नहीं है, तो शायद वो अपने बारे में गलत सोच रहा है। जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स से ये कहे कि उसका लक अच्छा नहीं है, तो इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता है। ऐसे टाइम पे उनसे सिर्फ उनके फीलिंग्स के बारे में बात करना और उन्हें समझने की कोशिश करना ही काफी हो जाता है ताकि बच्चे खुद के बारे में अच्छा फील कर सके। मिक्स्ड फीलिंग और मिक्स्ड मैसेजेस। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि बच्चों का मन बहुत चंचल होता है ना, तो नेक्स्ट चैप्टर में हमको यहाँ समझेंगे कि मिक्स्ड फीलिंग और मिक्स्ड जो इमेजेस होते हैं वो उसकी क्या बात है, वो कैसे अफेक्ट करता है बच्चों की लाइफ में। मिक्स्ड फीलिंग्स और मिक्स्ड मैसेजेस। बच्चों का मन बहुत चंचल होता है जो किसी एक जगह पर टिक ही नहीं पाता है। यही वजह है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के बारे में भी तरह तरह के फीलिंग्स रखते हैं। एक वक्त पर वो अपने अपने माता पिता अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छा समझते हैं, तो वहीं दूसरी ही सेकेंड वो अपने माता पिता को बुरा भी समझते हैं। बच्चों के दिमाग में किसी भी चीज़ को समझने या उसके बारे में सोचने का कोई तरीका ही नहीं होता। इसी वजह से उनके दिमाग में एक साथ दो तरह के थॉट्स आना बहुत ही आम बात है, कॉमन बात है।
यही चीज ज्यादातर माता पिता को अपसंद नहीं आता। दरअसल माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके बारे में हमेशा वही सोचे जो वो अपने बच्चों से सोचने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए बच्चे वही सोचते हैं जो उनको ठीक लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते। असल में बच्चों का दिमाग बना ही इसी तरीके से है कि उसमें दो आपस में टकराने वाले थॉट्स एक साथ आने लगते हैं। मगर इसको लेकर के माता पिता को गुस्सा होने से ज़्यादा इस बात पर ध्यान देना है कि वो अपने बच्चों के ये को ये फील कराए कि अपने दिमाग में दो तरह के थॉट्स रखना नॉर्मल है। बच्चों के ऐसे बिहेवियर पर उनसे नाराज होने और उनसे बुराई करने के बजाय उनको समझने की कोशिश करें। ये बच्चों के उनके थॉट्स के बारे में नॉर्मल फील कराने के लिए हेल्प करता है और उन तक ये बात पहुंचाने में भी हेल्प करता है कि उनकी मिक्स्ड फीलिंग्स बहुत ही नॉर्मल है। असल में माता पिता बच्चों का असली कॉन्फिडेंट होते हैं, इसीलिए बच्चों के माता पिता जब उनको किसी चीज़ पर भरोसा देते हैं तो बच्चों को ये यकीन हो जाता है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बच्चों को देख करके ये सब सिचुएशन को देख करके हम यहाँ पे ये सलाह सीखते हैं कि बच्चों को ऐसा भरोसा दिलाया जाए कि वो जैसा भी सोचते हैं वो नॉर्मल है, क्योंकि माता पिता ही है जिनकी बात का भरोसा करना बच्चों के लिए सबसे आसान होता है। ये बात बहुत सभी हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते भी है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार होता है वहाँ थोड़ी बहुत नफरत होने की संभावना भी बनी रहती है। यही रूल और दूसरे तरह के इमोशंस में भी लागू होता है, यानी कि जिस तरह हमारे अंदर प्यार और नफरत एक साथ रहते हैं उसी तरह पे तारीफ और जलन भी एक साथ रह सकते हैं। इसी के साथ दोस्ती और दुश्मनी भी, सक्सेस और चिंता भी, ये सब साथ साथ ही चलते हैं। इसीलिए हमको ये बात समझना और बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि वो हमेशा दिमाग पे पॉजिटिव थॉट्स नहीं रख सकते, क्योंकि कई बार उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी उनके दिमाग में पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स एक साथ आए। बच्चों को ये बात अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि उनको अपने थॉट्स को लेकर के शर्मिंदा होने या चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे थॉट्स दिमाग में आना बहुत ही नॉर्मल बात है। और ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि सबके साथ होता है। इन फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता। हमारे बचपन में हमको इन सब का बिल्कुल ऑपोजिट सिखाया गया है कि नेगेटिव थॉट्स को हमको एक्सेप्ट नहीं अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अब ये बात लोगों को समझ में आने लगी है कि किसी के दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी तरह के थॉट्स को खुद कंट्रोल नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा हम नेगेटिव थॉट्स की वजह से होने वाले नुकसान को कम करने की या उसको रोकने की कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने से रोकना एक बेकार कोशिश साबित होगी, क्योंकि अपने आसपास हम जैसे भी चीज़ें देखते हैं उन्हीं का असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। हम ये खुद तय नहीं कर सकते कि हम अपने आसपास सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही देखें, इसीलिए कई बार हमारा सामना नेगेटिव चीज़ों से भी होता है। यही वजह है कि पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ नेगेटिव चीज़ें भी हमारे दिमाग में घुस जाती है। इसीलिए किसी भी तरह की फीलिंग को ज़बरदस्ती रोकना या उसकी वजह से बुरा फील करना और अपने आप को गलत फील करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करने से आप न सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस गिराएंगे बल्कि आपके अंदर दिमाग से जुड़ी कई सारी परेशानियां भी पैदा होने लगेगी। इमोशंस को फील करना इंसानों की बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे मछलियाँ पानी में तैरती है, चिड़िया उड़ती है, वैसे ही इंसान हर चीज़ फील करता है। कभी हम खुश होते तो कभी दुखी, ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स है जिन्हें हम फील कर सकते हैं। हमको यहाँ से ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि किसी भी चीज़ों को फील करना बहुत ही नॉर्मल है। हमारा दिमाग इन फीलिंग्स को कंट्रोल कर ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। यानी हम अपने आप को दुखी होने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपना दुख किसी और के सामने बताने से ज़रूर रोक सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमको किस तरह की फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहिए और किस तरह की फीलिंग्स को नहीं। यही सवाल सबसे ज़रूरी है जिसका जवाब हमको ढूंढना है। हमको कौन सी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए और कौन सी नहीं, इसका जवाब हम तब तक नहीं ढूंढ सकते जब तक हम अपने फीलिंग्स का पूरी तरीके से एक्सपीरियंस ना कर ले। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि वो समझ ही नहीं पाते कि उनको कैसा फील हो रहा है। असल में ये उनकी गलती भी नहीं होती है, क्योंकि उनको बचपन से ही यही सिखाया गया है कि अगर उनको डर लगे तो उनको बहादुर बनना चाहिए, अगर रोना आए तो अपने आप को रोने से रोक देना चाहिए। जबकि सच्चाई ये है कि एक व्यक्ति के अंदर जितनी भी तरह के बेसिक इमोशंस होते हैं उसको उनको पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए। करके देखने से मतलब ये है कि हर व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि डर लगने पर उसको कैसा फील होता है या गुस्सा आने पर उसको कैसे फील होता है। जब तक आप इन बेसिक इमोशंस को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर लोगे तब तक आप उन पर रिएक्ट कैसे करना है ये भी नहीं सीख पाओगे। हमको कई बार सिर्फ ये सलाह दी जाती है कि चाहे ज़िंदगी में जो कुछ भी हो हमको हमेशा खुश रहना चाहिए,
जबकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के इमोशंस आ जाते हैं, इसीलिए जिस तरह के इमोशंस हमारे दिमाग में, हमको वैसे ही एक्सपीरियंस करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह हर इमोशंस को अच्छे से एक्सपीरियंस करने की कला को इमोशनल एजुकेशन का नाम देता है। इमोशनल एजुकेशन बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कि बच्चों की फीलिंग्स को कैसे समझना है। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना कि बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी के हर इमोशंस को अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हमेशा के लिए खुश रहे या सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में ही सोचता रहे। गुस्सा, डर और परेशान रहना लोगों के नॉर्मल बिहेवियर का ही हिस्सा होता है। इसीलिए बच्चों का अपने हर इमोशंस को अच्छे से समझना और उनको अपने मन में जगह देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे में मम्मी पापा को ये जिम्मेदारी रहती है उनकी कि वो अपने बच्चों को बताएं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। अब तक हम ये तो समझ चुके रहे हैं कि बच्चों का दिमाग खाली कागज़ के जैसा ही होता है जिसमें उनके माता पिता जो चाहे लिख सकते हैं। बच्चे अपने आप को आईने में देखने के बाद ही ये समझ पाते हैं कि उनकी शक्ल कैसी है, उनकी आँख, उनके नाक और कान कैसे दिखते हैं। ये भी उनको खुद में को आईने में देखने के बाद ही समझ आता है। इसी तरीके से फीलिंग्स के मामले में माता पिता को भी बच्चों के लिए एक आईने का काम करना रहता है। जैसे आईना बच्चों को उनकी शक्ल के बारे में बता देता है ना, वैसे ही माता पिता उन्हें ये बता सकते हैं कि वो कैसे फील करते हैं। यानी कि कोई बच्चा अगर अपने माता पिता से कोई कंप्लेन करे या फिर किसी और चीज़ के बारे में भी बात कर रहा होगा तो मम्मी पापा को उस बात के पीछे छुपी हुई फीलिंग्स को समझ करके अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है। माता पिता की मदद से बच्चे जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके अपने फीलिंग्स को समझने की आदत डाल लेंगे, अगर उतनी ही जल्दी उनको अपने खराब फीलिंग्स से लड़ने की ताकत भी मिलती जाएगी। ऐसा नहीं है कि अपने फीलिंग्स की वजह से सिर्फ बच्चे ही परेशान होते हैं, कई बार बड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन बच्चों के मामले में अगर उनकी फीलिंग्स के वजह से आप उन्हें डांटेंगे या उनकी बुराई करेंगे तो न सिर्फ बच्चे अपने आप को गलत समझने लगेंगे बल्कि उनके मन में अपने माता पिता को लेकर के भी गुस्सा बढ़ जाएगा। इसीलिए आपके बच्चे जब भी आपसे अपने मन की बात कहने की कोशिश करें तो उनको डांटने के बजाय आप उन्हें ये समझाने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद आप उन्हें उस चीज़ पर यकीन दिलाएं जिसका उनको डर लग रहा होगा। यानी अगर कोई बच्चा इस बात से डर रहा होगा कि उसके पिता उससे प्यार करते हैं या नहीं, तो उसके पिता की ये जिम्मेदारी रहती है कि वो अपने बच्चे के डर को समझने के बाद उसको गले लगाए और फिर इसको ये भरोसा दिलाए कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। इसे ही रीअश्योरेंस कहा जाता है। रीअश्योरेंस के अलावा अब अपने बच्चे की प्रॉब्लम सुनते समय आप उन्हें ये भी फील करा सकते हैं कि दुखी होना या फिर परेशान होना एक नॉर्मल फीलिंग है जिसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा चिंता होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे वर्ड्स की ताकत के बारे में। अब तक हमने ये समझा कि कैसे हम माता पिता की जिम्मेदारी क्या होती है कि वो बच्चों को फीलिंग्स को सही तरीके से समझे और उसके बारे में उनसे बात करें। और नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे वर्ड्स की ताकत क्या होती है। और अगर नेक्स्ट चैप्टर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर के नेम के वाइज लिखा गया है सारा डिटेल्स। वर्ड्स की ताकत, अब तक हम ये तो जान चुके हैं पिछले चैप्टर्स में कि माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों की फीलिंग्स को सही तरीके से समझे और उसके बारे में उनसे बात करें। लेकिन हर बार बच्चों को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपने फीलिंग्स के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर हर बार बच्चों को ज़बरदस्ती कुछ सिखाने की कोशिश अगर की जाए तो उसके बच्चों के दिमाग में टेंशन और स्ट्रेस आने लगता है जिसे वो आपकी बातों को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ऐसा होने पर बच्चे बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। फिर जिसे माता पिता समझ ही नहीं पाते कि ऐसे क्यों बच्चा कर रहा है। चलिए एक एग्जांपल की मदद से इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे विवान नाम के एक बच्चे के बारे में पढ़ते हैं जो एक दिन अपने फैमिली के साथ में कार में ही कहीं जा रहा था। उस वक्त कार में युवान और उसका छोटा भाई और उसके माता पिता थे। कार में एक छोटा सा डस्टबिन रखा हुआ था जिसमें कुछ कूड़ा कचरा रखा हुआ था। युवान की पूरी फैमिली हंसी खुशी ट्रैवल कर रही थी। बातों ही बातों में युवान की माँ ने उसकी तारीफ करते हुए उसे कुछ कहा, लेकिन अपनी तारीफ सुन करके युवान खुश होने के बजाय कार में पड़े जो डस्टबिन के कचरा था उसको जानबूझ करके सीट में गिरा दिया। पूरी फैमिली में किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अपनी तारीफ सुन करके युवान ने ऐसे हरकत की, क्योंकि युवान की माँ के बहुत पूछने पर उसने बताया कि उसको अपने छोटे भाई से जलन होती है।
क्योंकि उसे लगता है कि उसके माता पिता उसके छोटे भाई को ज्यादा प्यार करते हैं। पूरे रास्ते में उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उसका छोटा भाई आगे की सीट पर क्यों बैठा हुआ है जबकि वो पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। लेकिन जब युआन की माँ ने उसकी तारीफ की तब उसको अचानक अपने इस तरीके से सोचने पर रिग्रेट हुआ और फ्रस्ट्रेशन में आकर के उसने डस्टबिन गिरा दिया। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि तारीफ में बच्चे की कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ाता है, लेकिन कई बार ये तारीफ भी बच्चों के मिसबिहेव का कारण भी बन जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बच्चे कई बार अपने फैमिलीज के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं और उस वक्त जब कोई और उनकी तारीफ कर रहा होता है तब वो अपनी गिल्ट की वजह से खुद को बुरा दिखाने के लिए मिसबिहेव कर लेते हैं। कई माता पिता का ये भी कहना होता है कि बहुत ज़्यादा तारीफ करने पर बच्चे कई बार जानबूझ करके उल्टा बिहेव भी कर लेते हैं और तारीफ की वजह से वो कुछ नया करने से घबराते भी हैं कि कहीं जो कोई अगर गलती कर दे बच्चे तो कहीं माता पिता आगे इनसे बुराई ना कर दे। जैसे कि जब हम दवाइयाँ भी तो तभी लेते हैं ना जब मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, तो उसी तरीके से हमको तारीफें भी बच्चे को हर समय नहीं किया करना चाहिए बल्कि तारीफ करने से बस पहले हमको सही समय और जरूरत देखनी चाहिए। इसके साथ ही आप जब भी बच्चों की तारीफ करें तब ये भी ध्यान रखना कि आप उनके किसी काम या अचीवमेंट की ही तारीफ कर रहे हैं और ना कि उनकी पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी की तारीफ करने पर अक्सर बच्चों को ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उनकी झूठी तारीफ कर रहे होंगे, जबकि अगर आप उनके किसी काम की तारीफ करेंगे तब उनको वाकई में अपने ऊपर प्राउड फील होगा। यानी कि मान लीजिए कि किसी बच्चे ने कोई अगर काम बहुत मेहनत से किया है और आप उसके काम की तारीफ करने के बजाय उसको ये बोल रहे हैं कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, तो उसको ये समझ ही नहीं आएगा कि तारीफ हो किस चीज की रही है। इसीलिए तारीफ हमेशा ऐसे चीजों पर करनी चाहिए जो कि वाकई में सामने दिखती हो और जिन पर भरोसा किया जा सकता है। बिना मतलब की और बहुत बड़ा चढ़ा करके की गई तारीफ से बच्चे खुश होने के बजाय और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब और एक एग्जांपल की मदद से हम ये सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जूली, जिसकी उम्र 8 साल की थी, अपने घर की सफाई कर रही थी। उसने अकेले ही अपने घर का सारा कूड़ा उठाया और झाड़ू लगाया और घर के पर्दे और सोफे भी साफ किए। एक 8 साल की बच्ची इतनी मेहनत कर सकती है, ये बात उसकी माँ को बहुत ही अच्छी लगी। अपनी छोटी सी बच्ची को इतनी मेहनत करते हुए देख करके जूली की माँ उसको बहुत हैप्पी हुई और उन्होंने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि उसने बहुत ही अच्छे तरीके से घर को चमका दिया है। पूरे घर को साफ सुथरा देख करके जूली की माँ ने उसे थैंक यू कहा और उससे प्यार से गले भी लगा लिया। जूली भी अपने माँ की इस तरीके तारीफ करने से बहुत ही खुश हुई। इसके बाद जूली अपने पिता के इंतजार करने लगी और ये सोचने लगी कि जब वो घर आएंगे तो उसके काम की कितनी तारीफ करेंगे। लेकिन जूली के पिता ने घर आते ही उसके काम की तारीफ ना करके उसको एंजल, प्रिंसेस और न जाने क्या क्या कह करके बुलाया। मगर जूली जैसी छोटी बच्ची को तो अपने काम के बदले में सिर्फ काम की ही तारीफ चाहिए थी, ना कि अपने पर्सनैलिटी की। ये बात उसके पिता समझ ही नहीं पाए, इसीलिए जूली उनसे नाराज हो गई। तो आपने देखा कि अपने काम की सही तारीफ ना मिलने पर बच्चे अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं और कई बार तो ऐसे शरारतें भी करते हैं जो उनके माता पिता के लिए परेशानी बन सकती है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे क्रिटिसिज्म नहीं गाइडेंस की है जरूरत, यह कैसे बच्चों पर अफेक्ट करती है। इस चैप्टर को सुनने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं और क्या बच्चे अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, है ना एक बचकाना सवाल। तो ये बात तो हर किसी को पता है कि दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और बच्चे भी अपने माँ बाप से उतना ही प्यार करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी जिंदगी की पूरी कमाई और अपनी जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा खर्च कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि माँ बाप से ज्यादा हमारी चिंता दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, लेकिन माँ बाप और बच्चों के बीच में एज डिफरेंस कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि दोनों अलग अलग सोसाइटी में जी रहे होते हैं। ऐसे में माँ बाप और बच्चों के बीच टेंशन का बढ़ना बहुत आम बात होती है। कभी कभी यह बढ़ती टेंशन माँ बाप और बच्चों के रिलेशन को खराब कर सकती है, लेकिन इससे बचने का तरीका भी वही है जो हर झगड़े को सुलझाने का होता है, और वो है कम्युनिकेशन, जिसे हम बातचीत करना कहते हैं। वो वक्त बीत चुका जब माँ बाप अपने बच्चों को कोई बात समझाने के लिए उन्हें पीटा करते थे। आज के समय में किसी बच्चे की पिटाई किसी उनके फ्यूचर पर क्या असर डालेगी कहना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए माँ बाप को अपने बच्चों के साथ में बात करने की अपने तरीके में सुधार लाने की बहुत जरूरत है।
इसे ऐसे समझे कि जैसे हम अपने घर आए किसी मेहमान से कितने प्यार से बात करते हैं, तो फिर अपने ही बच्चे से इतनी बेरुखी से क्यों बात करें। माँ बाप की यही छोटे छोटे एफर्ट्स उनके बच्चों की पर्सनालिटी में सुधार लाने के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल आज दुनिया इस तरीके से बदल गई है कि बच्चों को पैदा करना या उन्हें अच्छे स्कूल में भेजने से ही कोई अच्छा माँ बाप नहीं बन जाता। माँ बाप को बच्चों के साथ में सही तरीके से कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर माँ बाप और बच्चों के बीच में सही कम्युनिकेशन ना हो तो बच्चे अपने माँ बाप से दूर होने में जरा भी वक्त नहीं लगाते हैं। लेकिन वो कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से माँ बाप और बच्चों के बीच के टेंशन को खत्म किया जा सकता है, उनके रिलेशन से पहले को रिलेशन को पहले से बेहतर बनाया जा सकता है और बच्चे को ऐसी तरह से दिशा आ सकती है कि उनके आगे की जिंदगी में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, और जब वो खुद माँ बाप बने तब उन्हें ये पता हो कि अपने बच्चों से किस तरीके का बर्ताव करना है। इसी सुपर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर समराइज करेंगे डॉक्टर विनोद की लिखी बुक बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड रिवाइज्ड एंड अपडेटेड की समरी। इस बुक के चर्चा में हम पेरेंटिंग की कुछ पेरेंटिंग से जुड़ी कुछ जरूरी बातों के बारे में जानेंगे। ये बुक पेरेंट्स के अपने बच्चों से बात करने की स्किल को डेवलप करने के बारे में है कि कैसे दोनों के बीच के रिलेशनशिप को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। पेरेंटिंग को लेकर के थ्योरेटिकल बात तो सब करते हैं, लेकिन इस बुक में प्रैक्टिकल अप्रोच का इस्तेमाल किया गया है जिसे डॉक्टर विनोद ने सालों की रिसर्च और माँ बाप और बच्चों के साथ में काम और कई वर्कशॉप करने के बाद में इस बुक के जरिए में बताया है। तो चलिए अब बिना देर किए यह बुक समरी को समराइज करेंगे। इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आपको सारी बुक को सुननी होगी, तो इसी का पार्ट टू पार्ट थ्री ऐसे करके कंप्लीट कर लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे टॉपिक के अनुसार पेरेंट एंड चाइल्ड टॉपिक पे है। लेसन टू में हम जानेंगे बातचीत के कोड। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बच्चे कितने सवाल पूछते हैं। बच्चों के लिए हर एक चीज के बारे में क्यूरियस होना बहुत ही आम बात होती है, क्योंकि बच्चे एक खाली कागज की तरह होते हैं जिनमें पहले से किसी भी तरह की समझ या नॉलेज नहीं होती है। वो दुनिया की हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं। सुबह कैसे होती है, दुनिया कितनी बड़ी है और खाना खाना क्यों जरूरी है, जैसे कई छोटे छोटे सवाल बच्चों के मन में रह रह के उठते हैं। लेकिन अगर माँ बाप बच्चों के इन सवालों से परेशान होकर के उनको ऐसे जवाब देने लगे जो बच्चों को समझ में ना आए और उनको कंफ्यूज्ड कर दे, तो ये सही नहीं होगा। दरअसल बच्चों के सवाल ऐसे होते हैं जिनमें सही तरीके से समझ करके जवाब देना उनका न सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, बल्कि बच्चों को सही जवाब पा करके बच्चों की मेंटल ग्रोथ भी अच्छी तरीके से हो पाती है। इसलिए हम आगे ऐसे ही कुछ सवालों और जवाबों को समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 10 साल के बच्चे एंडी और उसके पिता के बारे में समझेंगे। एंडी के पिता एक लॉयर थे। एक बार एंडी ने अपने पिता से पूछा कि उनके शहर में कितने अनाथ बच्चे रहते हैं। एंडी के पिता उसका यह सवाल सुनकर के बहुत खुश हुए और उसको पॉपुलेशन को लेकर के एक लंबा लेक्चर सुनाने लगे। लेकिन एंडी के चेहरे से ही साफ पता चल रहा था कि उसको उनका जवाब सही नहीं लग रहा था और वह कंफ्यूज भी हो रहा था। एंडी बार बार अपने पिता से एक ही सवाल पूछ रहा था और उसके पिता बार बार उसको पॉपुलेशन पर ही लेक्चर दिए जा रहे थे। आखिरकार एंडी के पिता को यह समझ आया कि उनका बेटा ये सवाल पूछ करके ये जानना चाहता था कि कहीं उनके माँ बाप भी उसको उस अनाथ बच्चे की तरह छोड़ के नहीं चले जाएंगे। तब एंडी के पिता ने उनसे कहा कि ऐसा उसके साथ कभी नहीं होगा, वो उसको कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे, इसीलिए उसको इस बारे में सोच करके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि एंडी के पिता ने उसका सवाल समझ करके उसे अच्छे से अपनी बात समझा, जिससे उन दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बनी। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो सवाल पूछते हैं उन्हें समझने के लिए कई बार हमको ये समझना भी जरूरी होता है कि आखिर बच्चे वो सवाल क्यों पूछ रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 5 साल के बच्चे नैन्सी के स्कूल में पहले दिन के एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ते हैं। अपने स्कूल के पहले दिन में अपनी क्लास में घुसते ही नैन्सी ने दीवार पर एक लड़की हुई पेंटिंग देखी और अपनी मम्मी से पूछा कि यह खराब पेंटिंग्स किसने बनाई है। नैन्सी की माँ परेशान हो गई और उसने उससे कहा कि वो सब पेंटिंग बहुत सुंदर है और उसको इस तरीके से दूसरों के पेंटिंग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन नैन्सी की टीचर उसकी बातों को समझ गई और उन्होंने बताया कि यह सुंदर पेंटिंग्स बनाना जरूरी नहीं है, खराब और सुंदर बस लोगों के मन में होता है। किसी के लिए कोई चीज खराब हो सकती है तो किसी के लिए खूबसूरत।
नैन्सी ये जवाब सुनकर के बहुत ही खुश हुई और उसको ये समझ आ गया कि अगर वो खराब पेंटिंग्स भी बनाएगी तो उसको डांट नहीं पड़ेगी। इसके बाद नैन्सी ने कुछ टूटे हुए खिलौने उठा करके पूछा कि ये इसको इस किसने तोड़ा। उसकी माँ को ये सवाल भी बेकार लगा, इसीलिए उन्होंने नैन्सी को चुप कराने की कोशिश की, मगर नैन्सी के टीचर ने उसको बताया कि खिलौने इतने नाजुक होते कि उनका खेलते वक्त टूट जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। टीचर की बात सुनकर के नैन्सी उन पर धीरे धीरे भरोसा करने लगी, क्योंकि उसकी टीचर जल्दी गुस्सा नहीं होती थी। नैन्सी ये समझ गई कि गलतियां करने पर उसको डांट नहीं बल्कि नई चीजें सीखने को मिलेगा। इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने स्कूल का पहला दिन इतनी अच्छी से स्टार्ट करने वाली लड़की अपने बाकी की जिंदगी कितनी बेहतर तरीके से जीने वाली। तो अब हम बात करने वाले हैं 13 साल की केरल के बारे में। गर्मियों की छुट्टी में उसके घर में उसकी एक फ्रेंड आई थी, कजन आई थी, अब वापस अपने घर जा रही थी और वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। केरल वो इतनी उदास थी कि उसको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे वो रोने वाली हो। ऐसी हालत में केरल की माँ की ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि वो अपनी बेटी को प्यार से गले लगाए और उसे प्यार से समझाए, लेकिन इसके बजाय केरल की माँ ने उसे ये समझाना स्टार्ट कर दिया कि किसी के जाने पर दुखी होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिंदगी में लोग इसी तरीके से आते हैं और वापस चले जाते हैं। ये सुनने में भले ही सही है, लेकिन बच्चे के लिए इतनी लॉजिकल बातों का कोई मतलब नहीं होता है। बच्चे की फीलिंग्स को सीरियसली लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो उनकी फीलिंग्स हर्ट होंगे और वो अपने माँ बाप से दूरी बनाना स्टार्ट कर देंगे। केरल की माँ के नजर में ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन केरल की छोटी उम्र को देख करके उसके लिए ये फीलिंग्स बहुत बड़ी थी। उन्हें अगर उसकी माँ अगर उसको इस तरीके से समझाती कि उसको उदास या रोने की जरूरत नहीं है, उसके कजिन अगले साल फिर आ जाएगी तो शायद केरल को बात ठीक से समझ आ जाती। इससे न सिर्फ उसका दुख कम होता बल्कि वो अपनी माँ के और भी करीब आ जाते। अब बारी आती है 7 साल की एलिस की, तो जो अपनी दोस्त ली के साथ में फिल्म देखने जाने वाली थी और तभी उस टाइम पे ली के स्कूल में एक जरूरी मीटिंग आ गई, इसीलिए वो एलिस से नहीं मिल पाई। ये जानकर के एलिस बहुत दुखी और एकदम चुपचाप बैठ गई। एलिस की माँ से उसकी उदासी देखी नहीं गई, इसीलिए वो उसके पास गए और उसको समझाया कि उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ली और वो किसी और दिन भी मिल सकते हैं। इस तरह एलिस अपनी माँ की बात समझ गई। अब हम यहाँ पे डेविड नाम के एक लड़के का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। डेविड के पिता नाइट शिफ्ट में रहते हैं। एक दिन वो जब शॉपिंग करके घर लौटे तो उन्होंने देखा कि डेविड किसी बात को लेकर के नाराज था। उन्होंने डेविड को पूछा कि वो इतने गुस्से में क्यों है। इस पर डेविड ने उसको जवाब दिया कि जब डेविड स्कूल से वापस आता है तो उसके पिता घर पे नहीं होते हैं, उसको इस बात का बहुत खराब लगता है, बुरा लगता है। डेविड की बात सुनकर के उसके पिता ने उसको कहा कि अच्छा हुआ उसने ये बात तो बता दी। उसके बाद वो डेविड के साथ बाहर खेलने चले गए। यहाँ डेविड के पिता ने उसको कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने बस उसे ये कहा कि वो उसके फीलिंग्स समझते हैं। पेरेंट्स कई बार ये भूल जाते हैं कि बच्चों को कोई बात समझाने से ज्यादा उनकी बात समझने की जरूरत होती है। ऐसा ना होने पर बच्चे और माँ बाप के बीच में झगड़े होते हैं। अब हम यहाँ पर हेलेन नाम की एक लड़की के बारे में पढ़ते हैं। एक दिन हेलेन बहुत उदास होकर के अपने स्कूल से घर लौटी। घर आते ही उसने अपनी माँ से कहा कि उसको एग्जाम में कम मार्क्स मिले हैं और उसको पता है कि उसकी माँ ये जानकर के गुस्सा होंगी, मगर हेलेन की माँ ने उसे प्यार से समझाया कि उनके लिए उसके ग्रेड्स मैटर नहीं करते और कम मार्क आने से उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेलेन फिर भी परेशान थी। उसने अपने माँ से पूछा, तो फिर आप हमेशा मेरे अच्छे मार्क्स ना आने पर नाराज क्यों होते हो। तब हेलेन की माँ ने जवाब दिया कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए उन्हें उनको कभी नहीं डांटा, वो खुद अपने मार्क्स को देखकर के डिसअपॉइंटेड होती है, इसलिए वो उन्हें ब्लेम कर रही है। ये सुनकर के हेलेन रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अब यहाँ पर हेलेन की माँ की बातें सच थी, मगर हेलेन को उन्हें सुनकर के दुख हुआ था। यहाँ पर भी वही गलती हुई है जो पहले के एग्जाम्पल्स में हमने देखी है, और वो है बच्चों के सामने लॉजिक का इस्तेमाल करना, जबकि बच्चों को लॉजिक से ज्यादा प्यार से समझाने की जरूरत होती है। बच्चों के लिए सबसे बेहतर ये होता है कि उनको लॉजिक समझाने के बजाय उनके दुख में साथ दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिसके लिए उनको दुखी होना पड़े। अच्छा बिहेवियर सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी अप्रिशिएट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक आखिरी एग्जाम्पल सुनते हैं। मिसेस ग्रैफ्टन अपने बैंक मैनेजर से थोड़ी अपसेट थी, क्योंकि वो हमेशा गुस्से में रहते हैं और उनसे सही से बात भी नहीं करते हैं। एक दिन मिसेस ग्रैफ्टन को एक जरूरी फाइल पर अपने मैनेजर के सिग्नेचर चाहिए थे। अपने मैनेजर के रूम में जानते ही उन्होंने मिसेस ग्रैफ्टन ने उनसे कोई शिकायत करने के बजाय उनको समझाया कि वो कितनी ज्यादा काम करते हैं और उनको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से उनका मूड तुरंत बदल गया और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उनको फील हुआ कि उनके काम की डिफिकल्टीज को किसी ने एक्नॉलेज तो किया। आखिर में उन्होंने मिसेस
कैप्टन की फाइल पर बिना किसी सवाल जवाब के सिग्नेचर कर दिया। इस तरह हमने देखा कि कैसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी अच्छा बिहेवियर पाकर के हम्बल हो जाते हैं। इस यहाँ पे हमने अब तक जाना कि किस तरीके से सही तरीके से बच्चों को बात ना समझाई जाए तो उन पर गलत असर पड़ सकता है। इसके साथ ही लेखक द्वारा दी गई कई एग्जाम्पल्स की मदद से हमने माता पिता और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन की कमी से होने वाली दिक्कतों को भी समझने की कोशिश की। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जानते हैं कि आखिर माता पिता और बच्चे आपस में बात करते वक्त परेशान क्यों हो जाते हैं और दोनों के बीच में टेंशन क्यों होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि माता पिता बच्चों के सवालों को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, जिससे बच्चे उनके जवाबों से सेटिस्फाइड ही नहीं होते हैं। इसका नुकसान माता पिता और बच्चों के बीच के रिश्ते पर होता है। दोनों के बीच के रिश्ते में प्यार की जगह फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और चीजें बिगड़ने लगती है। और एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग यहाँ पे माता पिता और बच्चों के बीच के इस कम्युनिकेशन गैप को समझेंगे। 8 साल का एक बच्चा था जिसका नाम था डेविड। एक दिन डेविड ने अपनी माँ से पूछा कि जब भी मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो उसकी माँ उसके छोटे छोटे सवालों का इतना बड़ा जवाब क्यों देती है। दरअसल बात ये थी कि डेविड अगर अपनी माँ से कोई छोटा सा क्रिटिसिज्म नहीं गाइडेंस की है जरूरत। माता पिता अक्सर अपने बच्चों की गलतियां सुधारने के लिए उनको बार बार ये बताते हैं कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं। इस तरह बार बार क्रिटिसाइज करने से बच्चे अपने माता पिता के बारे में उल्टी सीधी बातें सोचने लग जाते हैं, जबकि असल में बच्चों को क्रिटिसिज्म से ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक 8 साल की एक बच्ची जिसका नाम मैरी है, वो गलती से जूस गिरा देती है, लेकिन उसकी माँ उसे बिना डांटे ये कहती है कि वो एक ग्लास जूस और एक पोछा ले आए। इस पर मैरी भी रिलैक्स हो जाती है। अब ये सिचुएशन में काफी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते थे, लेकिन मैरी की माँ के इस बिहेवियर से मैरी ने गिरा हुआ जूस खुद ही साफ कर लिया और उसको ज्यादा परेशानी भी नहीं हुई। अब आप समझे कि जब चीजें खराब हो जाती है तब गलती करने वाले की पर्सनैलिटी पर कमेंट ना करके इवेंट पर कमेंट करना ज्यादा सही होता है। यानी जब बच्चे कोई गलती करे तो उन्हें ये ना बोले कि वो ना समझ है या फिर बेवकूफ है, बल्कि उनसे उस गलती के बारे में ही बात करे और ये सोचे कि उस गलती को कैसे ठीक किया जा सकता है। माता पिता और बच्चों के बीच में कई बार बहुत बुरी तरीके से बहस हो जाती है, इसीलिए जब बच्चे कोई गलती कर लेते तो उस पर रेस्पोंड करने के बजाय माता पिता बहुत खराब तरीके से रिएक्ट कर देते हैं, जिसे बच्चे को गुस्सा आ जाता है और वो सामने से जवाब दे देते हैं। इसे वो आर्ग्यूमेंट खत्म नहीं होती, उल्टा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए 7 साल का नेथानियल ब्रेकफास्ट के वक्त एक कप से खेल रहा था। उसके पिता ने उसे खेलने से मना कर दिया क्योंकि वो हमेशा चीजें तोड़ता रहता था। इतने में कप नेथानियल के हाथों से गिर करके टूट गया और जब उसके पिता ने उसको स्ट्यूपिड बोल दिया और जिस पर उसके पिता को भी उसने स्ट्यूपिड बोल दिया, और क्योंकि उन्होंने भी उसकी माँ की एक प्लेट तोड़ दी थी। इसी बात पे दोनों के बीच बहुत बहस हुई और जब उसके पिता उसको मारने के लिए आगे बढ़े तो वो खुद को बचाने के चक्कर में नथैनियल ने उसको धक्का दे दिया। ऐसा करने से नथैनियल के पिता सीधे कांच के दरवाजे पर जा टकराए और उनका हाथ कट गया। ये देख करके नथैनियल डर गया और वहां से भाग गया और शाम तक घर नहीं लौटा। अब इस सिचुएशन में नथैनियल को कप से खेलता हुआ देख करके उसके पिता उससे सीधा कप ले सकते थे और कोई खिलौना पकड़ा सकते थे। उसके बाद वो उसे समझा सकते थे कि कप के साथ खेलना खतरनाक होता है, लेकिन उसके पिता के एक गलत डिसीजन की वजह से उन दोनों के बीच में कितना बड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया। कई बार हम अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों के लिए बहुत ज्यादा डांट देते हैं, जबकि इन्हें छोटी छोटी गलतियों से बच्चे ज्यादा सीखते हैं। कई बार माता पिता अंडे के फूटने को पैर के टूटने जैसा समझ लेते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा इशू बनाना जरूरी नहीं होता। लेकिन कई बार हम इन छोटी छोटी गलतियों को बच्चों को कुछ सिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि उनको चीजों की वैल्यू के बारे में बताना, ना कि बात का इतना बड़ा इशू बनाना। क्योंकि माता पिता जो बुराई करते वो बच्चों के किसी काम नहीं आते। हम सब ये जानते हैं कि इसका कितना बुरा असर बच्चों के मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम यहाँ पे और एक 11 साल के जस्टिन का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जस्टिन ने यह वादा किया था कि वो अपने फैमिली के कार की सफाई कर लेगा, लेकिन वो भूल गया और अब इसके पिता ने उस पर 2 तरह से रिएक्ट कर सकते थे। एक तरीका तो ये है कि उसके पिता उससे कहे कि बेटा अभी कार सही से साफ नहीं हुई है, कब तक हो जाएगी, और जस्टिन इसके जवाब में कहे कि मैं इसे आज रात में साफ कर लूंगा।
दूसरा तरीका ये हो सकता था कि उसके पिता उसको डांटते हुए ये कहे कि कार धुली हुई किस एंगल से लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इसके साथ में तुम खेल रहे थे। तुम्हें हमेशा खेलना अच्छा लगता है ना, इररेस्पॉन्सिबल हो तुम। पहला रिएक्शन जस्टिन के लिए समझना आसान होता क्योंकि उसमें क्रिटिसिज्म और मजाक उड़ाना शामिल नहीं है। जस्टिन के पिता उसे जितना कम डांटेंगे उतना ही वो उनके करीब होता जाएगा। जबकि दूसरे रिएक्शन में जस्टिन बुरा फील करता, उसका काम करने से इंटरेस्ट खत्म हो जाता और वो कोई भी काम करना अवॉइड करता। जब हम बड़ों पर भी डांटने और चिल्ला करके बात करने का असर हो सकता है तो बच्चों पर इसका कितना गहरा असर होगा, क्या ये आपने कभी सोचा है? तो माता पिता का बार बार बच्चों को ये कहना कि वो स्ट्यूपिड है या फिर काम चोर है बच्चों पर बहुत बुरा असर डालता है। आखिर में वो खुद पर नहीं बल्कि अपने माता पिता की बातों पर भरोसा करने लग जाता है और इससे उनका कॉन्फिडेंस और समझने की शक्ति पर असर पड़ता है। अपने बच्चों के दिमाग को सही तरीके से डेवलपमेंट के लिए अपने बच्चों के दिमाग को डेवलप्ड और उनको कॉन्फिडेंट और समझदार बनाने के लिए ये जरूरी होता है कि आप उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें और उन पर अपनी उम्मीदों का बोझ डालने से बचें। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे बच्चों की आपस में जेलेसी जो होती है वो किस तरीके से और या उसको कैसे संभाला जाए। तो नेक्स्ट चैप्टर सुनने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों की आपस में जेलेसी। तो इससे पहले हमने कम्युनिकेशंस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और कैसे कम्युनिकेशन हमको रखना चाहिए वो सब अलग अलग एग्जाम्पल्स से हमने सीखा। और इस एपिसोड में हम ऐसे इन्फॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे जिसकी चर्चा किए बिना बच्चों की परवरिश पूरी ही नहीं हो सकती। ये जरूरी चीज़ है कि बच्चों में पाए जाने वाली जलन या जेलेसी किन्हीं दो बच्चों या खासकर भाई बहनों के बीच में एक दूसरे को लेकर के जलन होना एक स्वाभाविक सी बात है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन बच्चों का दिमाग बना ही इस तरीके से है कि उनको अपने साथ के दूसरे बच्चों को लेकर के जलन हो जाती है। इससे इस तरीके से समझिए कि ईसाइयों की सबसे पुरानी रिलीजियस बुक ओल्ड टेस्टामेंट है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे एक भाई ने जलन के कारण दूसरे भाई का मर्डर कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि हजारों साल पुराने रिलीजियस बुक से लेकर के आज की जनरेशन तक के बच्चों को अपने भाई बहन या फिर अपने साथ के दूसरे बच्चों को लेकर के जलन की फीलिंग्स रखते हैं। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी उम्र में कोई कमी है या फिर उनको वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही जो उनके भाई या फिर बहन को या दोस्त को मिल रही है। माता पिता के प्यार से लेकर के खिलौने, पढ़ाई और दूसरे चीज़ों के लिए भी बच्चे के मन में जलन हो सकती है। माता पिता चाहे तो बच्चों की कितनी ही चिंता क्यों न कर ले लेकिन इस फीलिंग्स को आसानी से दूर करना थोड़ा कम पॉसिबल है। अब यहाँ हम बच्चों में पैदा होने वाली जलन को समझने की कोशिश करते हैं। किसी घर में एक बच्चे के रहते नए बच्चे का अगर जन्म होता है जलन की सबसे बड़ी शुरुआत होती है क्योंकि घर में नए बच्चे के आने से पहले बच्चे की जिंदगी में बहुत से चेंजेस आ जाते हैं। उस वक्त पहले बच्चे को माता पिता की उतनी अटेंशन नहीं मिल पाती है जितनी उसको पहले मिल रही होती है। इसीलिए माता पिता की ये जिम्मेदारी होती है कि जब भी वो दूसरा बच्चा करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो अपने पहले बच्चे को इस बारे में अच्छे से समझा दे कि दूसरे बच्चे के आने से उसके हिस्से का प्यार कम नहीं हो जाएगा। क्योंकि बच्चे आमतौर पर यही सोचते हैं कि अगर उनके माँ बाप उनसे प्यार करते तो उनको दूसरा बच्चा पैदा करने की जरूरत ही नहीं होती। और इससे तब माँ बाप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले बच्चा कभी भी ये बात नहीं समझ पाता है कि उसके अलावा उसके माँ बाप को किसी और बच्चों की जरूरत क्यों है। अब यहाँ हम आपको एक एग्जाम्पल पढ़ करके सुनाते हैं कि किस तरीके से अपने पहले बच्चे को ये बात आराम से बताई जा सकती है कि घर में दूसरे बच्चे के आने से उनका प्यार कम नहीं होगा। 5 साल की एक छोटी बच्ची वर्जिना को कुछ वक्त पहले ही ये पता चला कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है। वर्जिना अपने माँ के सामने अपनी खुशी दिखाने की कोशिश करती थी और अपने होने वाले भाई या बहन को इमेजिन करके उसकी पेंटिंग भी बनाती थी। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वर्जिना की माँ ने पहले ही उसको ये बात बता दी थी कि ऐसा हो सकता है नए बच्चे के आने के बाद वर्जिना की जिंदगी में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाए। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया ताकि वर्जिना दूसरे बच्चे के आने पर अनकंफर्टेबल फील ना करे और ना ही उसको ऐसा लगे कि उसके साथ में कोई धोखा हुआ है। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों से साफ कुछ भी कहने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो पहले से बच्चे को ये बता देंगे कि उस बात या उस चीज से उनकी जिंदगी पर आगे जा करके काफी असर पड़ने वाला है तो शायद बच्चा डर जाए और फिर इन बातों को संभाल ना पाए। बच्चे जब अब मन की जलन छुपाने की कोशिश करते हैं तो वही जलन एक अलग रूप में सामने आने लगती है जिससे बच्चे बुरा बिहेव करने लग जाते हैं। इसीलिए जब बच्चे अपने नए भाई या बहन के आने से परेशान होते हैं उनकी इस फीलिंग्स को बाहर आने से रोका जाता है तो उनके मन में अपने भाई या बहन के लिए नफरत पैदा होने लग जाती है।
ये बात सुनने में चाहे जितनी अजीब लगे, ये पूरी तरीके से सच है। इसका एक दूसरा साइड इफेक्ट ये होता है कि जब बच्चे अपने मन की जलन को बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो उनको बुरे सपने आने लगते हैं। इसलिए ये बेहतर है कि आपको बच्चों को उनकी जलन बाहर निकालने का मौका दे, जिससे उनके मन में जैसे भी फीलिंग्स है वो खुल के बता पाए। आखिर अपने बच्चों को दिमागी रूप से तकलीफ पहुंचाने से तो बेहतर यही है कि हम उनके मन की बात को सुन ले। सबसे बेहतर तरीका तो ये होता है कि आप ये पहले से ही मान के चले कि आपके बच्चों में एक दूसरे को लेकर के जलन पहले से ही मौजूद है, चाहे पहले से वो बाहर दिखाए बच्चे या फिर ना दिखाए। आमतौर पर बच्चों में अगर उम्र या जेंडर का फर्क हो तो आपस में उन दोनों में जलन होना आम बात है, लेकिन छोटे भाई या बहन को इस बात से जलन होती है कि उनके बड़े भाई या बहन को ज्यादा इज्जत मिल रही है और उनकी बात की वैल्यू भी उनसे ज्यादा होती है। वहीं बड़े भाई या बहन को लगता है कि उनसे छोटे भाई बहन को माता पिता का ज्यादा प्यार मिल रहा है, जबकि उनको उतना प्यार ही किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब माता पिता खुद अपने सभी बच्चों में से किसी एक को ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं। ऐसा होने पर जिस बच्चे को ज्यादा अटेंशन मिलती है उसे अपने भाई बहन की नफरत भी जल्दी मिलती है। हालांकि ये भी सच है कि अलग अलग उम्र के बच्चों को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि बड़ी उम्र के बच्चों को ज्यादा जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि वो अपने आने वाले फ्यूचर के लिए पहले से रेडी होकर के रह सके। ऐसे में बच्चों के बीच होने वाली जलन से निपटने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप उनको समझाने के लिए लॉजिक के बजाय प्यार का इस्तेमाल करें। अपने बच्चों को जलन की फीलिंग से बचाने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि हम उनसे बात करते वक्त अपने शब्दों को सोच समझ करके चुने। बच्चों से बात करते वक्त उनको ऐसा लगना चाहिए जैसे उनके माता पिता उनकी तकलीफ को समझते हैं और उसको दूर करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा ना होने पर ज्यादातर बच्चे अपने छोटे भाई बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर जाते हैं। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे इस तरीके से आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। एक दूसरे से लड़ने में दोनों ही बच्चों का नुकसान ही होता है, इसीलिए दोनों के लिए अपनी अपनी जलन की फीलिंग को खत्म करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा किसी एक बच्चे को बचाने के लिए आप अपने दूसरे बच्चे को डांट या मार नहीं सकते हो। जब भी आप अपने किसी एक बच्चे को दूसरे बच्चे को परेशान करता देखें तो उसको डांटने के बजाय सबसे पहले उसके गुस्से की वजह जानने की कोशिश करें। उनसे पूछिए कि क्या वो अपने छोटे भाई बहन को पसंद नहीं करते। बच्चे जब कोई ऐसी हरकत करते हैं तो माता पिता का रोल उनसे जबरदस्ती कोई काम करवाना या उनको रोकना नहीं होता, बल्कि शांति से बैठ करके उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होता है। अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद हर माता पिता की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे की फीलिंग्स को समझते हुए उससे बात करने में सावधानी रखे। अपने बच्चे को इतनी आज़ादी दे कि जब भी उसको गुस्सा आए वो आपके पास आकर के आपको बता सके। यही तरीका सबसे ज़्यादा काम करता है। लेकिन इसके बजाय अगर आप अपने बच्चे को डांटेंगे या मारेंगे तो वो अपने भाई बहन से नफरत ही करता रहेगा। लेकिन अपने बच्चों की आपस में लड़ाई खत्म करवाने के चक्कर में माता पिता अपने दोनों बच्चों को एक ही तरह से ट्रीट नहीं कर सकते और ना ही उनको ऐसा करना चाहिए। जो माता पिता अपने सभी बच्चों को एक जैसा ट्रीट करने की कोशिश करते हैं वो आखिर में अपने सभी बच्चों को नाराज कर बैठते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई माता अपने छोटे बच्चे को गले से नहीं लगवाती क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने पर उसका बड़ा बेटा भी नाराज हो जाएगा, तो ऐसे में उस माँ का प्यार दोनों ही बच्चों को नहीं मिल पाता। दरअसल बच्चे अपने माता पिता से एक जैसा प्यार ही चाहते ही नहीं है। उन्हें तो अपनी उम्र और मैच्योरिटी के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट और प्यार चाहिए होता है। इसीलिए माता पिता को अपने बच्चे को अलग अलग तरह से प्यार देने की जरूरत है। उनको ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है कि उनको अपने सभी बच्चों से एक जैसा प्यार है। इसीलिए अपने किसी एक बच्चे को प्यार करना सिर्फ इसी वजह से ना छोड़ दे कि कहीं दूसरे बच्चे को बुरा ना लग जाए। इसके बजाय जब आप कुछ घंटे या कुछ वक्त अपने किसी एक बच्चे के साथ में बिता रहे हो तो उसे पूरे तरीके से जिए। उस वक्त अपने बच्चे को ऐसा फील ना करवाए जैसे वही आपका इकलौता बच्चा है। जब आप किसी एक बच्चे के साथ में बाहर होते हैं तब दूसरे बच्चे के बारे में बात करने से भी बच्चों में जलन पैदा हो जाती है, क्योंकि उनको इससे ऐसा लगता है कि आपको उसकी फिक्र नहीं है जो आपके साथ है, बल्कि उसकी फिक्र है जो घर बैठा हुआ है। घर में नए बच्चे के साथ में आने वाली जलन के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन और एक तरह की जलन है जिसका असर बच्चों के दिमाग पर बहुत गहरा पड़ता है। जिन बच्चों के माता पिता एक दूसरे से डाइवोर्स ले लेते हैं उनमें भी जलन पैदा होने लगती है। ये जलन तब पैदा होती है जब बच्चे अपने माता या पिता में से किसी एक के घर में रहते हैं। तब अगर उनके माता पिता के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति उनके घर में होता है तो बच्चों के मन में उस तीसरे व्यक्ति के लिए जलन पैदा होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको लगता है कि जब उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ सकते हैं तो किसी दूसरे के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। ऐसे में जब उनके माता या पिता में से कोई एक किसी एक नए व्यक्ति को डेट करने लगे या पसंद करने लगे तो बच्चे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं।
वो ना तो उन्हें एक दूसरे से मिलने देते हैं और ना ही फोन पे बात करने देते हैं। जब भी उनके माता पिता किसी तीसरे व्यक्ति से मिलेंगे तो बच्चे इस तरीके से बिहेव कर सकते हैं जैसा उन्होंने पहले कभी ना किया हो। हालांकि माता पिता अक्सर अपने बच्चों के इस बिहेवियर को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में बच्चों के माता पिता को क्या करना चाहिए? माता पिता की यही जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के ऐसे फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें और बच्चों को ऐसा माहौल दे कि वो अपने मन की बात अपने माता पिता के सामने कह सके। माता पिता का प्यार और उनकी समझदारी ही बच्चों के मन से ये डर निकाल सकती है कि वो कभी उन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अपने परेशान होते बच्चों को देख करके माता पिता उनसे ये कह सकते हैं कि हम जानते हैं तुम मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, लेकिन हम तुमसे एक और मदद करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पहले ये कि तुम अपने दोनों पेरेंट्स के साथ रहने की आदत छोड़नी होगी और अपने मन को तैयार करना होगा कि हो सकता है कि आगे जाकर के तुम्हारे किसी एक पेरेंट की जिंदगी में कोई नया हो जाए। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे बच्चों में एंजाइटी की प्रॉब्लम क्यों होती है।